जनपद में किसान भूसा बनाने वाली मशीन स्ट्रिपर का उपयोग 15 अप्रैल के बाद कर सकते हैं, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि पिछले साल 200 से ज्यादा घटनाएं आगजनी की हुई थी, जिसको देखते हुए भूसा बनाने वाली मशीन स्ट्रिपर पर 30 अप्रैल तक रोक लगा दी गई थी, क्योंकि भूसा बनाने से स्ट्रिपर मशीन से चिंगारी निकलती है जिससे खेतों में आग लग जाती है। लेकिन रोक लगने के बाद किसानों का सुझाव लिया गया और वार्ता हुई तो भूसा बनाने वाली मशीन के उपयोग के समय को 30 अप्रैल से घटाकर 15 अप्रैल तक कर दिया गया। अब किसान 15 अप्रैल के बाद भूसा बनाने वाली मशीन स्ट्रिपर का उपयोग कर सकेंगे। उन्होंने कहा, किसानों से अपील है कि वह भूसा बनाने वाली मशीन का सावधानी पूर्वक उपयोग करेंगे, जिससे किसी तरह की आगजनी की घटना ना हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, तो जो पिछले सालों के अनुभव के आधार पर जहां 200 से ज़्यादा घटनाएं हैं आगजनी की हुई थी पिछले सालों में, तो इसी का अनुभव लेते हुए हम लोगों ने जो रिपेयर मशीन जो जिसके आधार पर काफ़ी आगजनी की घटनाएं होती हैं उसको प्रतिबंधित किया था इस सीज़न के लिए 30 तारीख तक। बाकी किसानों से लगातार वार्ता चल रही थी, उनके सुझाव भी प्राप्त हुए थे, उनके सुझावों को अंगीकृत करते हुए 15 तारीख तक के वो प्रतिबंध को रिलैक्स किया गया है और उसके पश्चात वो किसान अब वो मशीन यूज़ कर पाएंगे और भूसा उपलब्ध हो जाएगा। हमारी कोशिश ये है कि जनहानि और फसल के नुकसान की घटनाओं को मिनिमाइज़ किया जाए और साथ ही साथ किसानों को भी भूसे के लिए उपलब्धता में कोई समस्या ना हो, इसीलिए ये व्यवस्था की गई है।